नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों गैस कब्ज और एसिडिटी की समस्या अधिक दिनों तक अगर बनी रहे तो जाहिर सी बात है कि बवासीर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों अगर एक बार यह बवासीर की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसे खत्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों लोग बवासीर से राहत पाने के लिए मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के मेडिसिन का सेवन करते हैं, जिसके बहुत दिन तक इस्तेमाल करने के बाद भी अगर उनके बवासीर की समस्या ठीक नहीं हो तो वो लोग ऑपरेशन करवा लेना ही उचित समझते हैं। और दोस्तों अगर एक बार ऑपरेशन हो जाए तो शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और एक ऐसे घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो बवासीर की समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो जानकारी में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बने घंटे को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नए नए वीडियो की जानकारियाँ आपको मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों आपको इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वह दोस्तों एक केले की। दोस्तों आप यहाँ पर ले लेंगे एक कच्चा केला। दोस्तों यह कच्चा केला आपके यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि इस कच्चे केले के छिलके को उतार कर और इसे बिल्कुल महीन कुछ इस प्रकार से काट लेने हैं। दोस्तों आप सभी को कुछ इस तरह से इसे बारीक काट लेने हैं। दोस्तों यह बिल्कुल ही घरेलू नुस्खा है और यह आजमाया हुआ नुस्खा है। और दोस्तों इसका आपके शरीर पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसे काट लेने के बाद आपको जो इसमें दूसरा चीज़ लेना होगा वो है दोस्तों ये हल्दी पाउडर। दोस्तों इस हल्दी पाउडर के इस्तेमाल से आपके शरीर में किसी भी हिस्से में अगर दर्द की समस्या हो तो उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बवासीर में हो रहे दर्द से बहुत ही आसानी से राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से इस हल्दी पाउडर को इसके अंदर डालकर और इसे मिक्स कर लेंगे। और कुछ इस तरह से इसमें हल्दी पाउडर को डाल लेने के बाद दोस्तों आपको जो इसमें तीसरी और सबसे आखिरी चीज़ लेनी है वह है दोस्तों सिट्रिक एसिड और विटामिन सी का भंडार, ये नींबू। दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके बवासीर की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों आपको करना क्या है कि इस आधी कट्टे नींबू को इसके अंदर अच्छे से निचोड़ कर और इसके जूस को निकाल लेने हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसे निचोड़ कर और इसके जूस को इसके अंदर निकाल कर ऐड कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बवासीर की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म होगी और दोबारा कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसमें नींबू के रस को लेने के बाद दोस्तों आपका यह नुस्खा बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें इस नुस्खे का सेवन कब और किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन हमेशा सुबह में करने हैं, जैसे कि सुबह में जब आप फ्रेश होने के बाद भोजन करने जाते हैं तो उसके पहले करने हैं। दोस्तों अगर आपकी बवासीर की समस्या बहुत ही गंभीर है तो इसके लिए आप इस नुस्खे का सेवन दो बार करें, एक तो सुबह में और दूसरा भोजन करने के बाद इसका सेवन रात में करें। दोस्तों अगर आप हमारे बताए अनुसार इस नुस्खे का सेवन 4 से 5 दिनों तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बवासीर की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारियाँ। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।